सर मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हीं के अलायंस पार्टी के जेडीएस के नेता एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना जो केस में पड़ गए उसके बारे में क्या? देखिए कानून प्रक्रिया है, जो नमक खाता है जय श्री राम। दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी भारत देश में आज वोट का त्यौहार चल रहा है और बीदर में यह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर मैं यहाँ पर हूँ और लगभग कई बूथों के ऊपर मैं जाकर के आया हूँ और सभी बूथ में सभी लोगों का एक ही बोलना है कि भारत शक्तिशाली अगर होना है, भारत जगतगुरु होना है, भारत खुशहाल होना है तो नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को हम वोट देंगे। इस प्रकार से वोटर का खुले दिल से, और मैंने इस चुनाव में देखा है कि वोटर खुद बाहर निकल करके उनको पता है कि देश में किनकी सरकार चाहिए, भारत मजबूत होने के लिए किसकी सरकार चाहिए, वो खुद से बाहर निकल करके बीजेपी को वोट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को वोट कर रहे हैं। मैं परिमला बूथ के ऊपर था, 8 दिन पहले एक गुजराती परिवार को पैरलाइज हुआ है, लेकिन वो वोट डालने के लिए वो परिवार आया है, यहाँ पर भी एक आया डाकुड़गिर तो परिवार आया है। मैंने पूछा कि आप ऐसे स्थिति में आए हैं, देखिए हमको कितनी भी तकलीफ हो लेकिन हमारा एक वोट बीजेपी के लिए और मोदी जी के लिए कीमती है, इसलिए हमारी तकलीफ नहीं है क्योंकि देश सबसे बड़ा है। इस प्रकार से लोग वोट कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है बीदर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भगवंत खूबा भी जीतेंगे, साथ में नरेंद्र मोदी जी निश्चित तौर पर 400 पार का जो नारा दिया है, अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है और 400 पार लेकर के भारत में एक मोदी जी के नेतृत्व में शक्तिशाली सरकार बनेगी। सर मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हीं के अलायंस पार्टी के जेडीएस के नेता एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना जो केस में पड़ गए उसके बारे में क्या? देखिए कानून प्रक्रिया है, जो नमक खाता है उसको पानी पीना पड़ता है, कानून प्रक्रिया से जो भी गलती करता है तो उसको कानून देखता है।